हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब में आप सभी का स्वागत है। 2021 के नए साल में हमने विजिट किया था हिल स्टेशन जिसका नाम है सापुतारा। ये महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर बसा हुआ है। सापुतारा में 3 दिन के लिए हम रुके हुए थे क्लब महिंद्रा हथगढ़ में। महिंद्रा हॉलीडेज के जो रिसोर्ट्स है ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए है। महिंद्रा हॉलीडेज में ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, चाहे डिनर हो, अलग अलग तरह के सूप और सैलेड से लेके डेजर्ट्स तक ढेर सारी खाने में वैरायटीज यहाँ रहती है। 5 या 6 तरह के अलग अलग डेजर्ट्स यहाँ पर रहते हैं, चाहे लंच हो, डिनर हो या नाश्ता। ये तो हुई खाने की बात, हम देखेंगे नेचुरल ब्यूटी क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के अंदर की भी। और सापुतारा तो हिल स्टेशन है, तो सापुतारा में कौन से घूमने लायक और एंजॉय करने लायक स्थल है मैं आपसे शेयर करूंगी आज। सापुतारा हथगढ़ का जो क्लब महिंद्रा रिसोर्ट है उसकी सुंदरता के साथ साथ सापुतारा की हर वो फेमस जगह हम विजिट करेंगे जो देखने के लिए लोग दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ पर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अब तक आपने जो फोटो देखे वो क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के अंदर के थे, और ये जो तालाब और बोटिंग की आप फोटो देख रहे हो ये हमने विजिट किया था दूसरे दिन सापुतारा गाँव में। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये है हथगढ़ फोर्ट, ये है रोपवे, और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये है सापुतारा गांव का लोकल मार्केट जिसकी तस्वीरें मैंने ली हैं। बच्चों के खिलौने और बच्चे एंजॉय कर सके इसके लिए अलग अलग तरह की राइड्स भी है, स्ट्रीट फूड और जंक फूड भी अवेलेबल है। और फाइनली घूम घूम के पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए ये है सनसेट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे सफर की कहानी मुंबई से सापुतारा। सापुतारा जाने के लिए हमने ट्रैवल किया था बाय रोड। बाय रोड अगर मुंबई से सापुतारा हम ट्रैवल करें तो 240 किलोमीटर जितना लगभग डिस्टेंस है, लगभग लगते हैं 4.5 घंटे। नासिक सिटी से सापुतारा बहुत नज़दीक है, नासिक से सापुतारा बाय रोड लगभग 75 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। सापुतारा जाते वक्त रास्ते में कसारा घाट आता है, ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। सापुतारा जाने के लिए बाय एयर भी हम जा सकते हैं, सूरत एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से और दमन एयरपोर्ट से भी हम जा सकते हैं। मुंबई से नासिक के लिए ट्रेन भी अवेलेबल है, और फिर नासिक से आगे बस में या ऑटो में हम सापुतारा जा सकते हैं। सापुतारा जाने के लिए सुबह 8 बजे हम घर से निकल चुके थे, सिर्फ 1 कप चाय पी थी हमने, जल्दी से डेस्टिनेशन पर पहुँचना भी तो था। 11:30 बजे तक तो पेट में चूहे कूदने लगे थे। किसी तरह का अनहाइजीनिक जंक फूड खाने से अच्छा हमने प्रेफर किया कोई फ्रूट लेना। नासिक से सापुतारा जाते वक्त रास्ते में कई जगह पर हमने स्ट्रॉबेरी बेचने वाले लोग देखे। सुना है नासिक में ठंड की सीजन में स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी बनती है और सस्ती भी मिलती है। भूख तो हमें लगी थी ही, मंचिंग के लिए कुछ हेल्दी सा चाहिए था जो हेल्दी भी हो, भूख भी मिटे और रास्ता भी कट जाए, तो हमने स्ट्रॉबेरी ले ली। स्ट्रॉबेरी खाते खाते रास्ता कहाँ कट गया पता भी नहीं चला। लो आ गया हमारा डेस्टिनेशन क्लब महिंद्रा हथगढ़। सबसे पहले तो हमारी पूरी कार को सैनिटाइज किया गया। हम सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करके हमें बताया गया रिसेप्शन कहाँ है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। ये रिसेप्शन देखो कितना सुंदर है। ये वेलकम ड्रिंक पीने के बाद कुछ फॉर्मेलिटी बाकी थी जो मुझे करनी थी। एक फॉर्म मुझे फिलअप करने के लिए कहा गया जिसमें वही सारे टर्म्स लिखी हुई थी जो टर्म्स हमें आरोग्य सेतु के ऐप में पूछी जाती है। ये सब कुछ मैंने फिलअप किया, और कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद हमें रूम का अकोमोडेशन दिया गया। खाना सर्व करने के लिए भी यहाँ पर अलग से स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है फ्रेंड्स।
ताकि किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो और सब लोग अपनी अपनी जर्नी अच्छी तरह से और सेफली एंजॉय कर पाए। खाने में वेज और नॉन वेज फूड दोनों अवेलेबल रहते हैं। नॉन वेज फूड का काउंटर अलग जगह रहता है। हमें रिसेप्शन पर ही बताना होता है कि हम किस टाइप का फूड प्रेफर करते हैं, और अगर हम क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लेते हैं तो उसी वक्त फॉर्म में मेंशन किया जाता है कि किस टाइप का फूड हम प्रेफर करते हैं। क्लब महिंद्रा रिसोर्ट वाले कोविड के अगेंस्ट में जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। सर्विस भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। खाने में अलग अलग तरह के सूप, अलग अलग तरह के सैलड्स, स्टार्टर्स, मेन कोर्स में 4 से 5 तरह की अलग अलग पंजाबी ग्रेवी वाली सब्जियाँ जो मोस्टली सभी को पसंद आए। सब्जियों के साथ में रोटी, पूरी, नान, पराठा, जिसे जो पसंद हो ले सकता है। दाल और राइस या तो कढ़ी और खिचड़ी। लंच और डिनर के बाद में डेजर्ट्स रहते हैं 5 या 6 अलग अलग टाइप के, और आइसक्रीम अलग से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने मील के लिए अलग अलग पैकेजेस बना रखे हैं। जो कॉम्बो पैकेज रहता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, वो हमें इकोनॉमिकल पड़ता है एज कम्पेयर टू सिंगल या डबल मील के। 1 BR यानी कि 1 बेडरूम वाला रूम हमें अकोमोडेशन में मिला था। 1 BR वाला अलग से विला बनाया हुआ है यहाँ पर। सारे के सारे बंगलो टाइप के रूम है, बहुत ही शानदार और आलीशान रूम्स है सारे। ये है मेरे रूम की मेन बालकनी जो हॉल से अटैच्ड है। बालकनी से देखिए व्यू कितना सुंदर है। ये गार्डन है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। वो जो पहाड़ आप देख रहे हो फ्रेंड्स, वो हथगढ़ फोर्ट है। हम वहाँ भी जाने वाले हैं, वहाँ भी हम विजिट करेंगे। कुदरत की सुंदरता जितनी भी निहारो, जितना भी कैच करो कैमरे में, कम ही लगता है। ये है मेरा ड्राइंग रूम, कितना सुंदर और वेल फर्निश्ड है ये। हॉल से ही अटैच्ड इस तरफ अंदर की बाजू किचन है। कभी अगर हमें रूम के अंदर बैठकर खाना एंजॉय करना हो तो यहाँ पर माइक्रोवेव है। सारी सुख सुविधाओं से भरपूर है ये। फ्रिज भी है और ट्रॉली है छोटी सी, उस ट्रॉली में कुछ बर्तन भी है। हॉट वाटर के लिए कैटल। ये देखिए, ये यहाँ पर ट्रॉली है। टी पाउडर, शुगर, मिल्क पाउडर, सब कुछ अवेलेबल है। देखिए अब चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में भी टीवी है। ये देखिए, इस तरफ बेडरूम को भी अटैच्ड एक इस तरफ भी बालकनी है। जो विला है पूरा, उस विला की ये बैक साइड पड़ती है, ये ईस्ट डायरेक्शन है फ्रेंड्स। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, यहाँ से सनराइज के खूब मजे लिए हैं हमने 3 दिन तक। ये भी मैं शेयर करूंगी आपसे। शहर की दौड़धाम, भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर जब हम यहाँ पर हॉलीडेज पे आते हैं तब मन को बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। क्लब महिंद्रा हॉलीडेज में 2 BR, 3 BR वाले रूम्स भी है। आप जैसे भी रूम सिलेक्ट करो फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पर रेट्स हैं। इवन सिंगल रूम्स भी हैं। दिस इज सेम एज होम अवे फ्रॉम होम टू एंजॉय विथ नेचर। हॉल की बालकनी में चलते हैं, देखते हैं बाहर से कैसे दिख रहा है। सुंदर सा नज़ारा देखते हैं। वाओ, कितना सुंदर है ये, कितनी शांति है यहाँ पर। फ्रेंड्स, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ सभी जगहों पर लोगों की फिर से वही दौड़धाम शुरू हो गई। भीड़ भाड़, पोल्यूशन, व्हीकल्स की आवाज़ें, सब कुछ फिर से शुरू हो गया।
ऐसे में ऐसी जगहों पर जब कभी हम हॉलीडेज के लिए आते हैं तो कितनी शांति लगती है। ये हरियाली, ये कुदरत की सुंदरता, कितना कूल लग रहा है, कितनी शांति है। ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये हाईवे है। यहाँ से ये थोड़ा दूर है तो व्हीकल्स की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पे एकदम प्लेजेंट सा क्लाइमेट है, यहाँ पे मन को कितना अच्छा लगता है। उस तरफ गार्डन है। कुछ देर बाद जब थोड़ी धूप कम हो जाए तब हम उस तरफ जाएंगे, गार्डन में विजिट जरूर करेंगे। फ्रेंड्स ये फाउंटेन देखो कितना प्यारा है। अरे वाह, झूला भी है यहाँ पे तो। और मेन बात मतलब झूला खाली है, कोई बैठा नहीं है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फ्रेंड्स जब भी जहाँ भी झूले देखूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर से बच्ची बन ही जाती हूँ और थोड़ा सा झूल ही लेती हूँ। गार्डन की सैर कर लेते हैं। कितना सुंदर गुलाब है, कितनी सारी कलियाँ भी है उसको। देखिए कितने सुंदर अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के पत्ते, फूल, कलियां। और ये देखो, इसे देख के कुछ याद आया फ्रेंड्स, कोविड का जो वायरस है वैसा ही दिख रहा है ये। बहुत खतरनाक है, लग ही रहा है खतरनाक। कपड़ों में अगर अटक जाए तो कपड़े फाड़ देगा ये। इतने सुंदर नेचर और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई बीमार आदमी भी कुछ दिन आके रह ले तो बिल्कुल ही फिट होकर ही घर लौटेगा। कई तरह की बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर कभी कभी इलाज के लिए ऐसी जगहों पर कुछ दिन आकर रुकने के लिए कहते हैं जहां पर किसी भी तरह का पोल्यूशन ना हो। वैसे केसेस में ये जगह सबसे बेस्ट है क्योंकि यही उस बीमारी का इलाज रहता है कि पेशेंट को हर तरह के पोल्यूशन से दूर रखा जाए और शुद्ध हवा में कुछ दिन रुका जाए। देखिए कितना सुंदर है ये सब, इन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये इतने पेड़ पौधे, रोज इनकी देखभाल करना, मेंटेन करना बहुत मेहनत का काम है ये। वाओ कितने सुंदर फूल है। ये फाउंटेन भी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, बहुत मस्त बनाया है। इंटरनल जो इन लोगों का सराउंडिंग है ना, बहुत इसके ऊपर मेहनत ली है इन्होंने बनाने में, बहुत सुंदर बनाया है। ये हुई अपने गार्डन की सैर पूरी। कुछ देर रूम पर वापस आराम करके हम गए थे डिनर के लिए। शाम को यहाँ पर लाइटिंग होती है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। डिनर के बाद हम कुछ देर और यहाँ पर रुके हुए थे। टहलते टहलते बच्चों की मस्ती देख रहे थे और लाइटिंग का मजा उठा रहे थे फ्रेंड्स। यह डाइनिंग हॉल, बाहर से देखिए कितना सुंदर तरह से यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है अलग अलग पौधे लगाकर। रोज रात को डिनर के टाइम यहाँ पर बाहर के साइड में एक अलग से काउंटर लगता है। ये जो बाहर का काउंटर आप देख रहे हो, यहाँ पर स्पेशली साउथ इंडियन डिशेस या तो चाइनीज डिशेस या तो फिर चाट रहती है। फ्रेंड्स ये रिसेप्शन एरिया जहाँ पर मैंने दोपहर को फॉर्म फिलअप किया था और KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। रात के टाइम देखो कितना सुंदर लग रहा है ये।
फ्रेंड्स, जो लोग वर्क फ्रॉम ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होती है, क्योंकि इन लोगों ने रूम में वाईफाई की सुविधा नहीं रखी है और नेटवर्क में भी सिर्फ BSNL का नेटवर्क यहाँ पर चलता है। सापुतारा के हथगढ़ में क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में मैंने डे वन कैसे बिताया, ये था इसका व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। डे टू, डे थ्री और डे फोर में और भी हम ट्रैवलिंग करेंगे सापुतारा में, हथगढ़ में, क्लब महिंद्रा के सराउंडिंग में भी कुछ बहुत कुछ ऐसा देखने जैसा है जो मैंने कैमरे में कैच किया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो बने रहना, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।